स्त्री को सुनो आपको सेक्स प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। स्त्री की पहचान, स्त्री क्या है, उसके बारे में यदि जानकारी आपने लिया तो आपको सेक्स प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। मतलब पत्नी के बारे में पति ने क्या जानना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको सेक्स प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो उसके बारे में मैं आज अभी बातचीत करने वाला हूं। क्या होता है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों इंसान है, मगर उनका बिल्टअप जो है ना, बॉडी बिल्टअप वो अलग अलग है, फिजिकल अलग अलग है। फिजिकल पुरुष में अलग हार्मोन्स होते हैं, स्त्री में अलग हार्मोन्स होते हैं, उनकी लेवल अलग अलग होती है। पुरुष का बिल्ट जो अलग होता है, जरा स्ट्रांग स्टाउट, उसका आवाज, उसका दिखना, और उसके उलट स्त्री एकदम नाजुक रहती है, आवाज बहुत ही उसका आवाज एकदम पतला रहता है, उसके हार्मोनल लेवल्स अलग अलग रहते हैं, वो ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकती है, ज़्यादा हेवी वेट स्त्री रहती नहीं है। हेवी वेट इन द सेंस कि नॉट वजनदार, मगर स्ट्रांग एंड स्टाउट मेंटली एंड फिजिकली, मतलब वो हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है कि शादी के बाद में एक दो महीने तीन महीने चले गए, गुलाबी गुलाबी बातें उसमें हो रही है, अच्छी बातचीत, एक दूसरे को समझना, उसको टाइम लगता है, मगर क्या होता है कि उसमें एक आधा बच्चा हो गया, और इधर पुरुष अपने करियर के लिए बहुत बिजी रह रहा, तो वो करियर में बिजी है, उसको लगता है कि मैं तो अपने पत्नी के लिए कमा रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, उसे दौड़ना पड़ेगा, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कमा रहा है, मगर एक्चुअली स्त्री को क्या चाहिए? स्त्री को चाहिए कि भाई मेरा पति मेरे पास में कुछ समय बैठना चाहिए, जब शाम को घर में आता है तो उसने मेरी सुनना चाहिए। स्त्री को कोई भी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, वो होशियार है, उसको सब समझता है, उसको ये लगता है कि भाई उसने जल्दी आना चाहिए, दिन भर में समझो बच्चा हुआ है तो दिन भर बच्चे का सब कर रही थी, अभी थोड़ा सा उसने देखना चाहिए बच्चे को, और जो भी मैंने दिन भर घर में हुआ, दिमाग में हुआ, फ्रेंड्स के साथ में, उसने सुनना चाहिए। तो वो जैसा आता है हस्बैंड वैसा वो चलो हो जाती है, हस्बैंड ने एक ही काम करना है सुनने का, वो जो सुनता है और सुनने के बाद में जस्ट हूँ हूँ करते करते उसको जो बोलता है वो पैराफ्रेजिंग करना, पैराफ्रेज करना या दोहराना जो बोलती है वो, तो फिर क्या होता है उसको लगता है कि नहीं ये सुन रहा है, अपनी बातें सुन रहा है, उसको कोई भी सोल्यूशन नहीं चाहिए। हस्बैंड ने सिर्फ इतना ही करना है कि उसको सवाल करना, सुनना और सवाल करना, ताकि वो बोलते रहे, और वो पूरा उसको खाली होने देना, उसको लगता है कि चलो मेरा हस्बैंड आ गया तो उसने मेरा पूरा सुन लिया, उसको ये मिल गया ना तो बहुत प्यार करने लगेगी। उसको अपना टेंशन, अपना स्ट्रेस उसको कम करने का है दिन भर का, और वैसा हस्बैंड आने के बाद में उसने यदि अपने प्रॉब्लम शेयर न करते हुए जस्ट जनरल शेयर कर रहा है, जनरल थोड़ी बातें कर रहा है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा हस्बैंड मेरे पास में आके कुछ शेयर कर रहा है, उसके लाइफ का शेयर कर रहा है, ऑफिस में क्या हुआ शेयर कर रहा है। आदमी लोग क्या बोलते हैं ऑफिस का, इसको क्या समझता है, क्यों बोलना चाहिए, इसको क्या अकल है, मेरे को मालूम है क्या करना है, तो मतलब वो बोलते नहीं, शेयर नहीं करेंगे, उसके हस्बैंड के खुद के प्रॉब्लम वो शेयर नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम यदि शेयर करते हैं तो उसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये हस्बैंड भी मेरा थोड़ा शेयर कर रहा है। तो पुरुष ने कम बोलना, ज्यादा सुनना, थोड़ा शेयर भी करना है, तो उससे दोनों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता, ये बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होता है, और ये बॉन्डिंग से फिर जब आपका मिलन होता है तो मिलन में फिर कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को जो चाहिए वो उसकी पत्नी उसको दे रही है, पत्नी को जो चाहिए वो हस्बैंड दे रहा है, तो बेड पे भी जो एक दूसरे को चाहिए वो एक दूसरे को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने पत्नी को समझ कर लो, उसके ऊपर अनकंडीशनल प्यार करो, उसको सुनो, तो पत्नी आपकी आपकी रहेगी, और ये आपके गर्लफ्रेंड के लिए भी लागू है, शादी होने की और आपकी गर्लफ्रेंड है, यदि आप यही सब चीजें अपनाते हैं, यही चीजें करते हैं, तो गर्लफ्रेंड दूसरे का विचार भी नहीं करेंगी, सोचेगी भी नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी जो शादीशुदा लोग हैं, जो ना जिनकी शादी पिछले एक साल में हुई है, उनको जरूर शेयर करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो उनको भी शेयर करें, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जाएंगी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के जाएगा, तो वो डर भी उनका निकल जाएगा। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड करो, उसमें आप फ्री सवाल जवाब कर सकते हैं,
हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आप शामिल होइए। और नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, आप हमें कॉन्टैक्ट करके आपकी जो भी समस्या है उसका हल निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।